देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी अपने कारोबार को लेकर काफी अग्रसर है। वो लगातार अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में गौतम अडानी ने सबसे बड़ी डील साइन कर ली है और इस डील के साथ ही वे मेटल इंडस्ट्री के बाहुबली बन जाएंगे। पूरी खबर क्या है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार। दूसरे सबसे रईस शख्स गौतम अडानी लगातार अपने ग्रुप को बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं और अब गौतम अडानी का मेगा प्लान है कि वो आने वाले समय में सिंगल लोकेशन पर दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर फैक्ट्री लगाए और इसके लिए उन्होंने डील भी साइन कर ली है। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल लोकेटर स्मेल्टर के लिए हर साल 1.6 मिलियन टन तांबा यानी कॉपर खरीदने की डील पर उन्होंने साइन किया है। यहाँ स्मेल्टर क्या है वो भी आप समझ लीजिए। तो स्मेल्टर एक प्रोसेस है जिससे ओर को मेटल में तब्दील किया जाता है। अडानी नेचुरल रिसोर्सेज के सीईओ विनय प्रकाश ने बताया कि गुजरात की मुद्रा में 1.2 अरब डॉलर की लागत वाली पहली 5 लाख टन क्षमता की सुविधा अगले महीने से शुरू हो जाएगी और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि दशक के अंत तक भारतीय तांबे की मांग दोगुनी होने की जो भविष्यवाणी है उसको पूरा करने के लिए मार्च 2029 तक इसे 1 मिलियन टन तक करने की प्लानिंग है। दरअसल अरबों डॉलर के निवेश से तैयार हो रहे इस प्लांट में मार्च के अंत तक पहले फेज के ऑपरेशंस शुरू हो जाएंगे। वही मार्च 2029 तक ये प्लांट फुल कैपेसिटी पर 10 लाख टन यानी 1 मिलियन टन क्षमता के साथ ऑपरेशंस शुरू करेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि अडानी ग्रुप इस कॉपर प्लांट पर कितना निवेश करेगा, साथ ही इस कॉपर फैक्ट्री से भारत को भविष्य में कितना फायदा मिलेगा। इस मामले में से जुड़ी जानकारी रखने वाले के मुताबिक अडानी ग्रुप इस कॉपर प्लांट में लगभग 1.2 अरब डॉलर का निवेश करने को तैयार है और इस प्लांट से देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि इससे भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर जो है वो कम होगी और साथ ही इससे ऊर्जा यानी एनर्जी बदलाव में भी मदद मिलेगी। चीन और बाकी देशों की तरह भारत भी कॉपर प्रोडक्शन को लेकर काफी अग्रसर है और इसका काम तेजी से बढ़ रहा है। कॉपर की मदद से फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम किया जाएगा और इसके अलावा हर बड़ी इंडस्ट्री में कॉपर का काफी अहम रोल है। ऊर्जा यानी एनर्जी बदलाव के लिए कॉपर को इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर फोटोवोल्टिक्स और बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड यानी KCL दो फेज में 10 लाख टन सालाना क्षमता वाली कॉपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट तैयार कर रही है जिसके तहत पहले फेज में इस प्लांट से एक साल में 5 लाख टन की क्षमता शुरू की जाएगी जिसके लिए KCL ने जून 2022 में फंडिंग हासिल कर ली थी। अडानी ग्रुप के इस फैसले से आने वाले समय में देश के ईवी सेगमेंट को भी बूस्ट मिलने की पूरी उम्मीद है, साथ ही इससे भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कॉपर के लिए कम होगी और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उस पर भी हमें बूम देखने को मिलेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक